हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अदिल अकबर और आप देख रहे हैं हाउ टू इंजीनियर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको गियर मोटर के आरपीएम जो है वो मालूम करना बताऊंगा, सिखाऊंगा किस तरह से जो है हम आरपीएम मालूम कर सकते हैं। मेरे पास ये मोटर है, इसके ऊपर ये नेम प्लेट है, इसके वाटेज, इसके आरपीएम, इसकी फ्रिक्वेंसी, इसके स्टार के वोल्टेज, डेल्टा के वोल्टेज, एवरीथिंग इसके ऊपर मेंशन है, ठीक है। लेकिन कहीं भी ये नहीं मेंशन कि इसके साथ जो गियर लगा हुआ है, गियर बॉक्स लगा हुआ है, उसके कितने आरपीएम हैं, और ये मोटर जो है अगर 1380 आरपीएम पर चलती है तो गियर जो है उसके कितने आरपीएम निकलते हैं, आगे से जो हमें गियर की आउटपुट निकलेगी वो कितनी निकलेगी, तो उसको हमने कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, जो कि छोटे गियर, बड़े गियर, जितना भी मर्जी आपके पास बड़ा गियर है, गियर मोटर है, उसका जो आरपीएम है आप इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है गियर जो है, अगर आपके पास गियर मोटर जो है, गियर बॉक्स जो है वो शाफ्ट वाला है, तो आपने उस शाफ्ट के ऊपर जो है एक निशान लगा लेना है। ये जो है गियर बॉक्स, ये हॉलो बोर है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक निशान लगा लिया। इसी तरह जो फैन होता है गियर के मोटर के साथ, उसके ऊपर भी आपने एक निशान लगा लेना है, उसको मेंशन कर लेना है कि ये वाला जो इसका एंड और स्टार्ट पॉइंट है, क्योंकि हमने इसको घुमाना है, घुमा के इसके चक्कर जो है वो कैलकुलेट करने हैं और इससे जो है हमें आरपीएम निकलेंगे, ठीक है। तो इसको जो है हमने घुमा के इसके आरपीएम साथ साथ कैलकुलेट करते जाना है। तो अभी हम जो है इसके आरपीएम मालूम करते हैं, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस और तीस। तो यहाँ पर जो है 30 चक्कर कंप्लीट हो गए हैं और वहाँ पर एक चक्कर कंप्लीट हुआ है जो गियर बॉक्स है उसका, गियर का, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास जो इसके मोटर के आरपीएम आए हैं वो आए हैं 30, ठीक है, और जो गियर का आरपीएम आया वो आया है 1। तो जो हमारे पास रेशो बनेगी वो बनेगी 1 और 30 की, मतलब कि 30 चक्कर अगर मोटर चलती है तो गियर पर एक चक्कर जो है वो हमें मिलता है, ठीक है। तो ये जो है ओवरऑल इसकी जो है वो रेशो आ गई है 1 और 30 की, जबकि मोटर के हमारे पास जो आरपीएम थे वो थे 1380, ठीक है। तो इसको हमने जो है वो लिख लेना है, 1380 आरपीएम जो है वो हमारे पास मोटर के हैं। अब हमने गियर के आरपीएम निकालने हैं, वो हम किस तरह से निकालेंगे उसका मैं आपको मेथड बताता हूँ। बहुत ही आसान मेथड है, आपने क्या करना है कि ये जो 1380 आपके पास आरपीएम हैं, ठीक है, इसको आपने जो है नोट कर लेना है। नोट करने के बाद इसको 1380 को आपने डिवाइड करना है, ये जो हमारे पास मोटर के आरपीएम आए थे ना 30, इसके साथ, सही है। तो यहाँ पर जो है 1380 आरपीएम हमारे पास मोटर के हैं जो फुल स्पीड पर चलती है, तो जो हमारे पास अवेलेबल रेशियो थी वो थी 31 की, सही है। तो हमने 30 पर इसको डिवाइड कर लेना है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 4 बार 12 और 3 6 बार 18, ठीक है। तो ये 46 जो हैं, 46 आरपीएम बन जाएंगे गियर के। तो अभी जो है हमारे पास गियर की आउटपुट जो है वो 46 है, सही है। तो मोटर जो है जब फुल आरपीएम पर चलेगी तो हमारे पास जो है आउटपुट पर गियर के जो आरपीएम आएंगे वो आएंगे 46, सही है। इसी तरह अगर सपोज करें आपके पास 2000 आरपीएम की कोई मोटर है, ठीक है, तो आप इसको भी, इसका भी फाइंड आउट करने का वही तरीका है। आपके पास चाहे 2000, 3000, जितने मर्जी आरपीएम की मोटर है, आपने गियर मोटर के जो है वो चक्कर फाइंड आउट करने हैं, तो सेम वही तरीका है
वही मेथड है कि आपने क्या करना है, आपने जो इसकी मैक्सिमम आरपीएम है उसको डिवाइड कर देना है रेशियो के ऊपर। जिस तरह की इसकी 30 थी तो मैं 2000 को डिवाइड कर देता हूँ 30 पर, ठीक है। तो ये जो है 6 और 6 दोबारा और 0.6, ये 66.6 जो है इसकी रेशियो बनेगी, इसके जो मैक्सिमम आरपीएम बनेंगे, ठीक है। तो अगर 2000 आरपीएम हो हमारे पास तो 66 पॉइंट, सॉरी ये 2 नहीं है, ये 6 है, सही है। तो ये हमारे पास 66.6 आरपीएम बनेंगे अगर ये मोटर के आरपीएम 2000 हो तो, ठीक है। तो इसी तरह आपने जो है इसकी पहले रेशियो फाइंड आउट कर लेनी है। रेशियो फाइंड आउट करने के बाद आपके पास जो है मोटर के आरपीएम, आपको पता होना चाहिए कि मोटर के जो है वो आपके कितने आरपीएम की है। ये मोटर जो थी वो 1380 आरपीएम की थी, सही है। तो इसकी नेम प्लेट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये मोटर जो है वो 1380 आरपीएम की है, ठीक है। अगर इसकी मोटर के ऊपर नहीं लिखा हुआ तो इसको आप जो है वो मीटर के साथ भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो हमारे पास गियर मोटर था इसके जो आरपीएम आए थे हमारे पास वो आए थे 46। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप किसी भी गियर मोटर के चक्कर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसकी मदद से जो है आप बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा जो गियर बॉक्स है उसके आरपीएम आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रही है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अगर इसी तरह की वीडियो आप चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।